तो भाइयों स्वागत है आपका फिर एक नई वीडियो में, जिस वीडियो का आज पर्पज है भाई अपनी गाड़ी की जो सर्विस है वो भाई आ चुकी है, दूसरी सर्विस करानी है अपनी गाड़ी की। तो जिस भाई के पास वेन्यू है 2023 मॉडल, तो भाई आज मैं उसकी दूसरी सर्विस कराने आया हूँ। अगर आपके पास भी है तो दूसरी सर्विस में क्या होता है क्या नहीं होता है और आपको वो कंपनी से करानी जरूरी है नहीं है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो अभी भाई चल रहे हैं सर्विस सेंटर में, सर्विस सेंटर में आपको दिखाते हैं कि दूसरी सर्विस में क्या क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है। और मेरी गाड़ी अराउंड चल चुकी है भाई 8,958 किलोमीटर, यानी 10,000, उन्होंने तो 10,000 तक बोला था कि एक साल में चले या ना चले, एक साल में सर्विस करा लेना, अगर 10,000 चल जाए तो 10,000 में करा लेना। तो बाकी भाई अपनी 8,958 किलोमीटर चल रही है, तो अब देखो इसकी सर्विस कराते हैं। ये अपना हुंडई का सर्विस सेंटर आ गया, दिखाओ, ये अपना हुंडई का सर्विस सेंटर आ गया, गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं हुंडई की। तो अब यहाँ पे अभी अंदर जाके अपना अपॉइंटमेंट लेते हैं, वैसे तो बुक कर रखा पर अभी यहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी को छोड़ते हैं, अब सर्विसिंग वगैरह जो भी है इसकी बताते हैं क्या होता है क्या नहीं, तो मिलते हैं वीडियो में आगे। भाई अभी यहाँ पे इंस्पेक्शन चल रहा है, देखो भाई अपनी गाड़ी पहले ना यहाँ पे लग गई थी, तो बाकी तो पेंट हो गई है गाड़ी, बस ये बम्पर नहीं आया, तो ये बम्पर डलेगा, ये पीछे वाला ये भी टूटा हुआ है ये भी डलेगा, बाकी ये पूरी साइड देखो ओके एकदम, इधर भी फ्रंट से भी। अभी इसकी वॉशिंग कराने आनी है तो साथ में चले जाऊँ वॉशिंग के, तो अभी भाई इसकी वॉशिंग कराने, देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है। इधर से भी, तो चलिए अभी इसकी वॉशिंग कराते हैं। तो भाइयों जहाँ तक अपना सवाल ये होता है, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो लोग सोचते हैं भाई सर्विस के बाद एवरेज बढ़ जाता है या नहीं बढ़ता, तो भाई वो ये मेरे भाई हैं ही बताएंगे। भाई एक बार बताओगे आप कि सर्विस कराने के बाद एवरेज पे कितना फर्क आता है कितना नहीं? अभी जैसे कि नई है गाड़ी, अभी चली है 8,960 किलोमीटर और एवरेज ये 10-11 का दे रही है, अभी तो फिलहाल देख सकते हो भाई 15.6 का दे रही है और 26 और ये दिखा रहा है, तो इतना भाई दिखा रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना एवरेज और बढ़ जाएगा। सर थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा, 2-3 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा आपको सर्विस के बाद। और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको कि चलाने के ऊपर भी कुछ डिपेंड करता है कि आप कैसे गाड़ी चला रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं भाई, सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आप ड्राइव कैसे करते हो। अगर आप ड्राइव रूट करते हो तो भाई आपको एवरेज बिल्कुल नहीं मिलेगा, अगर आप स्मूथ करते हो तो आपको एवरेज मिलेगा बिल्कुल, ऐसा है ना। तो भाई अगर एवरेज चाहिए तो भाई अच्छे से गाड़ी चलाओ तो अच्छा एवरेज मिलेगा, बुरी गाड़ी चलाओगे तो बुरा एवरेज मिलेगा। तो अभी सर्विस कराते हैं क्योंकि गाड़ी भाई दब भी रही है। अगर मैं चला रहा हूँ ना गाड़ी, जैसे पहले नई गाड़ी ली थी मैंने तो बहुत अच्छा एवरेज था और गाड़ी भी सही उठती थी, तो अभी इसका एवरेज भी डाउन हो गया है और उठने में भी दिक्कत देती है, मतलब वो लैग खा जाता है बीच में थोड़ा सा पिकअप के टाइम में, तो वो ख़त्म हो जाएगा जब सर्विस हो जाएगी क्योंकि इंजन ऑयल चेंज होगा, इसकी कटाई भी चल रही थी इंजन की, तो वैसा होता है ना बिल्कुल जी। तो भाई ये आपका सबसे बड़ा पॉइंट था कि लोग सोचते हैं कि एवरेज बढ़ता है सर्विस कराने से, तो भाई बढ़ता है एवरेज पर नई गाड़ी का, जो नई गाड़ी अभी हमने शोरूम से खरीदी है और उसकी फर्स्ट सर्विस हो गई है दूसरी सर्विस के बाद, उसका एवरेज बढ़ता है। फर्स्ट सर्विस जो होती है ना उस पर कुछ नहीं होता भाई, जनरल चेकअप किया जाता है कि आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल है या नहीं है, कूलेंट है, एयर फिल्टर ठीक है, एसी फिल्टर ठीक है, वो तो आपने मेरी पिछली वाली वीडियो में देख रखा, अगर नहीं देखा तो भाई मैं लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो भी जाके देख लेना कि क्या क्या करा था पिछली सर्विस पे। तो बाकी अभी इसकी ये सब चीज़ें जो हैं वो ओके करा के देखते हैं कि कुछ फ़र्क आता है या नहीं आता है, तो मिलते हैं वीडियो में आगे। और मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो भाई मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी ढेर सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। और आप लोग तो काफ़ी अच्छे भाई हो यार, मेरे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाते हो, तो कर दिया करो। और बाकी अब चल ही रहे हैं सर्विस कराने। भाई हमारे भाई, इसने देखो हाथ वो तोड़ लिया अपना, पता नहीं क्या करता रहता है पूरे दिन भर में। क्या करा तूने ऐसा जो तेरा हाथ टूट गया? गुत्थम गुत्थाई हो गई थी। कमजोर बंदा देख रहे हो, हाथ भी मतलब संभाल नहीं पाया इतने तक भाई, उसकी टाँट पे लग गया, टाँट ज्यादा मजबूत होगी, उंगली ज्यादा मजबूत होगी, टाँट मजबूत होगी ना, उंगली में तो 2-3 हड्डियाँ होती हैं, टाँट तो पूरी टाँट होती है। तो भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, है ना भाई?
बिल्कुल जी। तो भाइयों हम जा रहे हैं अभी इसकी वॉशिंग कराने, पहले सर्विस नहीं होगी भाई, सर्विस का तो इन्होंने टाइम बताया कि 5 बजे तक गाड़ी देंगे और अभी मैं आया हूँ देखो 11 बजने वाले हैं, इसका मतलब पूरे 6 घंटे बाद मुझे गाड़ी मिलेगी। अभी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। और जहाँ तक मैंने बताया था कि भाई इसकी जो सेकंड सर्विस है मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि क्या क्या करते हैं क्या क्या नहीं करते हैं, तो भाई मैंने यहाँ पे जो मैनेजर था इनका उनसे मैंने पूछा कि भाई मेरे को वीडियो बनानी है क्योंकि मेरे को दिखाना है यूट्यूब पे क्या क्या सर्विस होती है और करानी चाहिए या नहीं करानी, तो इन्होंने भाई साफ मना कर दिया कि भाई वीडियोज़ बनाना अलाउड नहीं है यहाँ पे, मना है आगे से। ठीक है भाई मना है तो फिर क्या कर सकते हैं, इनके रूल्स हैं, रूल्स कभी नहीं तोड़ने चाहिए। तो इन्होंने बताया कि व्हाट्सअप नंबर इन्होंने मेरा ग्रुप में ऐड कर दिया है तो उसमें मेरे को बताते रहेंगे कि क्या क्या गाड़ी में हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है, ऐसे ही ना भाई जी? ऐसे ये भाई हमारे हैं यही करेंगे गाड़ी का काम है ना जी। अभी वॉशिंग कराने जा रहे हैं। तो क्या नाम है भाई आपका? ललित। ललित भाई तो हम जा रहे हैं ललित भाई के साथ अभी इसकी वॉशिंग कराने, वाटर वॉशिंग। मैंने बोला ड्राई वॉशिंग करा के कुछ हो सकता है नहीं, उन्होंने बोला ड्राई वॉश हो जाएगी पर जितनी जिस हिसाब से आपकी गाड़ी गंदी है उस हिसाब से आपको वाटर वॉश ही कराना चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम से खड़ी भी है और आपने वीडियो में देखा ही है कि कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है गाड़ी, तो वाटर वॉश ही ज़्यादा सही रहती है। तो अब इसको हम लेके जा रहे हैं वहाँ दिखाते हैं कि वॉशिंग कैसे क्या हो रही है क्या नहीं, तो मिलते हैं वॉशिंग के टाइम पे। अपनी गाड़ी वॉशिंग दिखाओ जरा इधर। ओ यार ये जाओ भाई, हो गई ना, हो गई। चलो भाई चलते हैं, अपनी गाड़ी हो गई वॉशिंग, बन लो देख लो। अभी ये वहीं करेंगे, ये वहीं करेंगे, कपड़ा मारेंगे अभी। ये दिखाओ इधर, तो चलते हैं अभी शोरूम पे। ऑयल फिल्टर भी इसी यहीं पे लगा हुआ है, ऑयल फिल्टर भी चेंज होगा ना? मैं यहाँ था समझे, मैंने उसको बोला मेरा मम्मा कह रहे थे खराब हो गया इंजन ऑयल है पूरा। भाइयों इसमें देखो नया फिल्टर भी लगा दिया इन्होंने और इंजन ऑयल वगैरह ये साफ सफाई क्लीन हो चुका है एकदम। ये अपना पुराना फिल्टर, अब क्या करोगे भैया? एयर फिल्टर डलता है, पुराना वाला एयर फिल्टर ये रहा, नया वाला ये रहा। एक बार उठेगा पुराना वाला एयर फिल्टर बोलना भाई, एक बार नए और पुराने में फ़र्क दिखा दो भाई। ये अपना पुराना वाला या नया वाला एक बार फ्रंट से दिखाना भाई, बहुत फर्क। एक मिनट दिखाना भाई, एक बार देख सकते हो कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो ये तो ख़राब है, वैसे तो चल जाता फिर भी हमने चेंज करा दिया क्योंकि हमें बाद में दोबारा चेंज तो कराना ही पड़ता कभी ना कभी, तो ये हमने करा ही दिया चेंज। ये हमारा वाइपर वाटर के लिए हो गया। ये क्या भाई? वाइपर सेंसर। अपना डन, अभी ऑयल नहीं डाला अभी भाइयों, ये डलेगा भाई। आप बताना किस लिए डालते हैं इसको? इसमें इंजन ऑयल के लिए होता है ये, इंजन ऑयल के लिए। ये सब पिस्टन वगैरह बने हुए ना, वाल वगैरह, तो स्मूथनेस के लिए है, इंजन ऑयल का ऊपर से डाला जाएगा। तो ये भी डलवाते हैं अभी, वैसे अच्छी चीज़ें डलवा सकते हो भाई। भर के लाए इतना सारा इंजन ऑयल, मुझे लगा कि भाई पूरा डालेंगे पर इसमें भी बने हुए हैं 3.5 लीटर जाएगा, तो अभी ये 3.5 लीटर जाएगा इंजन ऑयल भाई। क्वालिटी क्या व्हाट्सएप फॉलो बोलूँ यार, सिंथेटिक है भाई ऑयल, अच्छे खोल दी वाले उसका अच्छा है, इसमें डलेगा अच्छा है। गलत खोल दो व्हाट्सएप बना रहे हो क्या भाई?
ग्रुप में जाते हैं भाई, हमारा भी ग्रुप में है, इधर से बना नंबर पर लग रहा है, ग्रुप में जाएगा ना हमारे कमेंट में। अच्छा अच्छा चलो चलो भाई, अपना इंजन ऑयल जा रहा है गाड़ी के अंदर। भाई बचाना भी है थोड़ा। कितना लेके आए थे भाई? 4.5। कितना बचा लिया? 1 लीटर। तो भाई अपना इंजन ऑयल वगैरह पड़ गया भाई, इधर भी ऑयल ऑयल गिर गया है। अभी गेज में चेक करते हैं, अभी ये डलने वाला है भाई, अभी डाल दें। पिस्टन स्मूथनेस के लिए और सिंथेटिक बनाने के लिए बढ़िया हो गया भाई, डलवा सकते हो और अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगी आपको इंजन से लेकर। ठीक है, यहाँ तक होता है, यहाँ तक स्टार्ट करने के ना यहाँ तक आ जाएगा इंजन की ज़्यादा ना हो भाई, क्योंकि कई बार पैकिंग वगैरह लूज हो जाती है। हो गया भाई, अभी इसको पैक कर देते हैं। ऐसे परमिशन है नहीं वीडियो बनाने की, पर भाई हम रिस्क लेके बना रहे हैं यहाँ पे, है ना भाई, मना है ना वीडियो बनाना? हम बना रहे हैं। अभी भाई चल रहा है अपना टोटल बॉडी क्लीन, वैसे तो भाई वीडियोस बनाने मना है, पर देखा तो मैं आपको क्या क्लीन। छोड़ दो भाई, छोड़ दे। ये भाई ब्रेक ऑयल टॉपर, थोड़ा सा ही कम है। अपनी गाड़ी का गाड़ी की स्टार्ट, गाड़ी की आवाज़ बदल गई है, बहुत चेंज आ रहा है भाई। अब सही पिकअप वगैरह उठाएगी ना? करना भाई रैप, छोड़ छाड़ मनना दियो फोन इसी में। गाड़ी की भाई वाइब्रेशन ही बदल गई, वाइब्रेशन बहुत हो गई इसमें। पता नहीं आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, पर भाई वाइब्रेशन चेंज हो गया सर्विस होते ही। पहले ना ऐसे 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 काफ होती है, अभी बिल्कुल साइलेंट है। हेलो हेलो भाई, ठीक है भाई, फ्यूल ऐड कर दिया, ठीक है। डालने से क्या होता है भाई, पिस्टन स्मूथ चलते हैं, इसका इंजेक्टर क्लीन हो जाता है। अच्छा, पाइपलाइन निकली जाती है। ओके, इसी फिल्टर को साफ कर दो,
भाइयों हमने करा ली है अपनी गाड़ी की पूरी सर्विस और अब भाई हो गया लंच टाइम, मैं दिखाता हूँ आपको कितना हो गया। देखो भाई 11 बजे आए थे, 1:04 हो गए और अभी इनका हो गया लंच। तो लंच करके भाई खाना वाना खा के अभी हमारी गाड़ी लगाएंगे वॉशिंग में। इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, कूलेंट टॉपअप करा है, ब्रेक ऑयल टॉपअप करा है और इंजेक्टर साफ़ करने के लिए भाई उन्होंने अंदर कोई केमिकल वगैरह डाला है, वो मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया तो वो डाला है, वो भी डलवा सकते हो अगर सर्विसिंग पर डलता है आपकी। और पिस्टन को स्मूथनेस करने के लिए भाई उसमें भी एक केमिकल डाला है, उसका भी नाम आपको बताऊंगा। भाई बहुत अच्छी चीज़ है, डलवा लोगे क्योंकि उसमें ना आपका सिंथेटिक और इंजन ऑयल हो जाता है, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। और बाकी मैं आपको क्या एस्टीमेट पड़ा है मेरे को, कितना पैसे मेरे से ले रहे हैं, तो वो भी मैं आपको अभी आगे बताता हूँ क्योंकि अभी मेरे हाथ में बिल नहीं है, तो बताते हैं अभी आपको। आगे अपना सारा काम हो गया, इसमें एयर फिल्टर, अब इसको नीचे पूरी गाड़ी को नीचे ला रहे हैं, फिर ले लिए। अब यहाँ पे एयर फिल्टर डालेंगे और इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर हो चुका है, दिखाते हैं आपको। तो भाई ये अपनी हो रही है ड्राई वॉश, देख रहे हो किस तरीके से। जो कराने का एक बेनिफिट है, जो जमा हुआ होता है ना वो भी निकल जाता है साथ में, है ना भाई, जो जमा होता है ना वो भी निकल जाता है ना। वैसे ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप ना ये वॉशिंग करा सकते हो, अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा गंदी नहीं है, अगर उसमें डस्ट धूल वगैरह जमी हुई है ना, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। थोड़ी सी महंगी होती है पर अच्छी रहती है गाड़ी के लिए। तो ये सब काम चालू हो गया यहाँ पे, तो पूरी गाड़ी रेडी हो गई, दिखाता हूँ कैसी है। तो भाई हमें लग रही थी भूख और गाड़ी गया है भाई सर्विस, वो जा रही है अपनी वहाँ पे अंदर तैयार होने। अभी हम थोड़ा सा ये खाएंगे, डाइट के साथ चीट करेंगे, हालांकि ऑयल तो कम लगवाया मैंने, फिर भी पेट भरने के लिए थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा। और वो खड़ा अपना वहाँ पे अनमोल ने वहाँ पे राजमा चावल खा लिए, नहीं पनीर, मटर पनीर खाया उसने। तो अपन भी यहाँ से पैक वुक करा के खा पी के अभी निकलते हैं, मेरे हिसाब से 5 ही बजा देंगे ये भी, तो मिलते हैं। तो भाइयों हमने जो अपनी हुंडई की सर्विस थी वो हमने पूरी करा ली है, उसमें जो जो चेंज हुआ है वो आपको मैंने वीडियो में दिखा दिया, हालांकि मना था कि वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते, फिर भी तुम्हारे भाई ने वीडियो ज़रूर बनाई। भाई बताना बहुत ज़रूरी है आप लोगों की कि क्या क्या सर्विस होती है, क्या क्या नहीं होता है, तो आपको अच्छा लगा होगा। और अभी हम जा रहे हैं भाई मायापुरी, मायापुरी किस लिए जा रहे हैं वो आपको अभी मैं आगे बताता हूँ कि किस लिए जा रहे थे मायापुरी। तो चलिए अभी मायापुरी में दिखाते हैं हम क्या लेने जा रहे हैं मायापुरी। तो भाइयों हम गए थे मायापुरी और मायापुरी से क्या सामान लेके आए हैं आओ दिखाते हैं तुम्हें, आ जाओ। तो सब में पहले ये ले गए भाई, पकड़ना इसको और दिखाता हूँ इधर ऐसा ऐसा। ये क्या चीज है, इधर आओ, आप लोगों को शायद से नहीं पता मेरी गाड़ी का हो गया था हल्का सा एक्सीडेंट, तो उसमें क्या हुआ देखो, ये बम्पर टूट गया था इधर, देखो इधर ये मेरा बम्पर टूट गया था यहाँ से, तो ये वाला बम्पर जो है पूरा नीचे का ये चेंज होगा, एक तो ये लाया है वो, और यहाँ की साइड की जो क्या बोलते हैं पट्टी, तो भाई ये भी टूट गई थी तो ये भी लेके आए। तो अब इसकी फिटिंग करते हुए दिखाते हैं आपको, इसकी पूरी फिटिंग करवाएंगे और रबिंग होगी अभी पूरी, वैसे चमक रही है पूरी पर रबिंग भी कराएंगे, है ना मोहन भाई, मोहन भाई को दिखाओ सारा काम कराएंगे इसका, पूरी गाड़ी दुल्हन की तरह सजेगी। अभी दुल्हन लग रही है, नहीं लग रही, लग रही है और अच्छी लग रही, वैसे दिल चमकवा दिया मैंने इसका, अभी मेकअप नहीं हुआ दुल्हन का। तो मिलते हैं भाई इसकी फिटिंग के टाइम पे। और अभी इसका ये जो है ना, ये ब्लेंडर होगा इसका, ये भी देख लेना, सिंगार कराने जा रहे हैं इसका। तो देख लो भाई अगला बम्पर उतर गया पूरा, कितनी खाली खाली सी गाड़ी लग रही है, और यहाँ पे इसके नीचे की खुलाई चल रही है, वहाँ से तो टूटा ही हुआ है यहाँ से। तो
ये है कि जो पेंट वगैरह होगा ना ये भी साफ कराएंगे।